the time is 5:59 right now. Nice lights here. Guys, welcome to my channel. And मेरा नाम रौनक है. आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और ये मेरा पहला व्लॉग है और आज में एक बहुत स्पेशल डे पे हम आपके साथ एक जर्नी शुरू करने जा रहे हैं. सो गाइज प्लीज सपोर्ट मी एंड होपफुली मतलब आई ट्राई टू डू बेटर इन द फ्यूचर कमिंग व्लॉग्स. बट इस टाइम अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहे सो प्लीज बेयर विद मी बिकॉज इट्स माय फर्स्ट व्लॉग एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. सो मैं धीरे धीरे व्लॉग्स में अपने बारे में बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा और मैंने ये चैनल शुरू क्यों करना चाहा उसके बारे में भी बताऊंगा. एंड एक सेकंड देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. ओके सो मैं अपनी एक फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ अभी एंड हम एक ड्राइव पे जा रहे हैं. मतलब यूजुअली ये जो मेरा फ्रेंड है इनका एक ग्रुप है टीम 22 के नाम से. सो प्रॉब्ली आज मैं भी इस ग्रुप का मेंबर बन जाऊंगा एंड आई विल हैव द स्टिकर्स ऑन माय कार टू. एंड ये जो मेरा फ्रेंड है ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है भी. ही हैज़ प्रॉब्ली लाइक 12.5K सब्सक्राइबर्स. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 13K सॉरी. एंड ये मतलब इसने अभी जर्नी अपनी 3 या 4 महीने पहले शुरू करी है एंड ही हैज ग्रोन सो मच एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. सो इन्होंने अभी मिलके अपने सारे ग्रुप ने इनके ये एक टीम तैयार करी है या एक यू नो कार एंथुजियास्ट, कार मेनियाक्स, ट्यून कार्स, ड्रैग रेसेस. सो ये लोग ये सब करते हैं एंड मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड. एंड हम अभी कहाँ जा रहे हैं, कौन सी ड्राइव पे जा रहे हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे. सो लेट्स वेट फॉर माय फ्रेंड एंड विल कंटिन्यू दिस व्लॉग लेटर. सो गाइस मैं अभी ना वेट करते करते ये सोच रहा था यार लोग सुबह पता नहीं कैसे उठ जाते हैं. मेरे से मतलब बिल्कुल उठा नहीं जाता सुबह. सो अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हो प्लीज मेरे को बताना कि सुबह कैसे जल्दी उठा जाता है ताकि मैं भी जल्दी उठूंगा. सो गाइस माय फ्रेंड इज हियर. व्हाट्स अप शावी, चले राइट पे, चलो भगाओ. भाई मेरे को ना पेट्रोल डलवाना है यार, कहाँ डलवाऊं? ओके सो लेट्स गो गाइस. वो अपना शावी भाई आगे चल रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे. यार मेरे को ना पेट्रोल डलवाना भूल गया मैं और गाड़ी साफ करनी थी. गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है बिकॉज जो गाड़ी साफ करने वाला है वो आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल. एंड आज गाइस मैं आपको बता ही देता हूँ क्या वो स्पेशल डे है. आज छोटी दिवाली है एंड ये हमारी दिवाली राइड है बेसिकली टीम 22 मेंबर्स की. एंड तो मैं और शावी भाई जा रहे हैं वहाँ पे अभी. सो ये रही उनकी ए 200, आप देख सकते हो पीछे ये ट्यून्ड है इनकी. एंड बाकी इनकी गाड़ी की स्पेक्स मैं बताऊंगा आपको चैनल में आगे. सो अभी चलते हैं और पेट्रोल डलवा लेते हैं यार सबसे पहले ना, बिकॉज द राइड विल बी लॉन्ग. सो हाँ लोकेशन भी अभी मैं आपको बताऊंगा. अभी हमारा मीट जो है वो NH8 हाईवे जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पे हम 24/7 पे मिल रहे हैं सब. एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त जगह पे. गाड़ी का विंड स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है एंड आई विल हैव टू क्लीन इट समवेयर. कहीं रुक के इसको साफ करता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी की जो वाइपर्स है उसमें टैंक में वाटर भी नहीं है सो कांट इवन स्प्रे. और अभी मैं अगर ऐसे वाइपर चलाऊंगा ना यहाँ से सो इस पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और इससे वाइपर ब्लेड भी ख़राब हो सकते हैं गाइस. चिक चिक इन्फो आपके लिए, ठीक है. तो कभी भी जब पानी ना हो तब वाइपर्स ना चलाएं, इससे आपके वाइपर ब्लेड्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है. फॉर मोर फन फैक्ट्स कॉन्टैक्ट मी, बाय बाय. सो गाइज हम निकल चुके हैं पेट्रोल डलवा कर. आगे है शावी भाई की गाड़ी और जो जगह पे हम जा रहे हैं उसका नाम पंचगांव है. बाकी बस जहाँ पे मीटअप है बाकी गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँच के आपके साथ ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. बीच बीच में आपको जर्नी दिखाता रहूँगा. सो
सो गाइस ये कुछ लाइनअप है आज की गाड़ियाँ एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है यार. दिस 330 आई लुक्स अमेजिंग सभी भाई ब्लॉगिंग कर रहे थे गाइज हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मीटअप था. ये सारे भाई हैं अपने टीम 22 के कर्स हैं यहाँ पे यार. ये सुबह मॉर्निंग राइड यूजुअल इनकी संडेज को होती है एंड धीरे धीरे आपको कार्स भी दिखाएंगे. सो गाइज अब हम निकल रहे हैं अपनी जहाँ पे हमारी लोकेशन है. सो बेसिकली हम लेपर ट्रेल जा रहे हैं, पंचगांव नहीं जा रहे एंड मैं दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे जर्नी. सो ओके बाय बाय. सो गाइस अभी मैं 100 की स्पीड पे था ऑलमोस्ट हो गया साइड से फ्लाई बैक करता हूँ तो मेरी स्पीड 60-70 की लग रही थी ऑलमोस्ट. सो अभी मतलब आई विल गो लाइक ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल 100-110 ऑन दिस हाईवे. सो दैट्स द मैक्सिमम आई डू. बताओ क्यों रुके अच्छा चलो. सो गाइस हम यहाँ रुके थे, किसी का वेट कर रहे थे बट वो थोड़ा सा आगे हैं. सो अब हम वापस निकल रहे हैं अपने लोकेशन की तरफ. सो लेट्स गो. सो गाइस ये है BMW 330i M Sports एंड इसके एग्जॉस्ट में एक बहुत खास बात है कि ये स्टॉक है. सो गाइज बाकी सब छोड़ो, ड्राइव पे सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा होता है कि यार सनराइज, इट्स बिन लाइक पता नहीं एजेस आई हैवन सीन सनराइज. यहाँ पे बहुत अमेजिंग टेम्पल है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट. मतलब हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ. So guys, we are here at Aravali Hills, just cruising at not insane speeds. मतलब आराम आराम से चला रहे हैं because you know आज काफ़ी rush है. And rush क्यों है? Because बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे and Sunday rides usually बहुत ज़्यादा rush रहता है. So let's see जो जगह है हम जहाँ जा रहे हैं that is Throttle Shuttle and मतलब आई एम होपिंग कि वहाँ पे ज़्यादा रश ना हो. बाकी भाई बता रहे थे वहाँ पे एटलीस्ट मतलब एक घंटे की वेटिंग रहती है एंड आई एम प्रीटी हंग्री. सो आई डोंट नो कि मतलब कुछ मिल जाए खाने के लिए. सो लेट्स सी, चलो जरा दिखाते हैं हम वहाँ पे कैसा रहता है, क्या मस्ती करते हैं और क्या मतलब यू नो क्या एक्टिविटीज़ रहती है वहाँ पे. सो पहुँच के आपको और आगे की अपडेट देते हैं. चलो सी. सो गाइस व्यू देखो कितना अमेजिंग है एंड श्रवण इज जस्ट बिहाइंड मी. अमेजिंग व्यू सीरियसली. सो दिस एरिया इज बेसिकली कॉल्ड अरावली. सो इट्स जस्ट बिसाइड गुड़गांव एंड यहाँ पे मतलब 15-20 मिनट में बंदा पहुँच सकता है बेसिकली अपना बस पहुँच. मतलब बेसिकली अगर रश ना हो अदरवाइज
गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। सारे सारे हमारे टीम 22 के लोग कैफ़े का है, नाम है इसका नाम है थ्रॉटल कैफ़े। ये बेसिकली लेपर्ड ट्रेल अरावली हिल्स के बीच में बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है यार। गाइस तो चलो यहाँ से निकलते हैं और ट्रैक पे जा रहे हैं। भाइयों को थोड़ा सा कार्स भगानी है और अपनी पावर्स टेस्ट करनी है, तो 3 कार्स हैं, सो लेट्स गो एंड देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। गाइस ये दिल्ली की लॉन्गेस्ट प्रियो तुषार भाई, इसकी भी आवाज़ सुनाएंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी आवाज़ है। तो गाइस ये कुछ ट्रेल है यहाँ पे, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जिसके ऊपर क्रेजी एग्जॉस्ट। सो दिस वाज द लोकेशन गाइस, सो गाइस ये है कुछ लोकेशन और यहाँ पे मतलब ये ब्लॉक्ड रोड है तो यहाँ पे थोड़ा ड्रैग रेस वगैरह कर सकते हैं। सो ये अभी लाइनअप होगी और ये पहली ड्रैग रेस इन दोनों गाड़ियों के बीच में होने वाली है। सो XUV 700 वर्सेस M Sport 330i, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है, बाकी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है फॉर श्योर। सो भाई उस गाड़ी का एडवांटेज दे रहे हैं, वो दो गाड़ी आगे खड़ी होगी, अपनी गाड़ी है भाई, शीशा चढ़ा दो और हम तीन हॉर्न पे निकल जाएंगे। दो गाड़ी से ज्यादा का एडवांटेज है, दो गाड़ी नहीं भाई, पांच छह गाड़ियां, छह गाड़ियों का एडवांटेज है। देखिए भाई तो तीन हॉर्न करवा, ब्रूट भाई ये देख लो यार, पीछे तो दिखाई नहीं पा रहा, लेकिन भाई मतलब ये अलग ही चीज है यार। सो इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को और so guys, ये है XUV 700 जिसके साथ BMW 330i भैया के साथ रेस हो रही थी। भैया अमेजिंग विन, अमेजिंग, सो भैया ने लॉन्च बहुत ही अमेजिंग किया था एंड ये कलर देखो गाइस, इतना अमेज। सो लाइक आई सेड कि भाई कोई कंपटीशन नहीं था एंड मैं इसकी क्लिप्स थोड़ी सी डालूंगा बीच में बिकॉज मैं प्रॉपरली बना नहीं पाया बिकॉज इसका लॉन्च बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। एंड ये आशीष बेनीवाल भाई की XUV 700 भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है बट गलत गाड़ी के साथ ड्रैग रेस हुई है इसकी एंड लाइक आई सेड अगेन कोई कंपटीशन नहीं है दोनों गाड़ियों के बीच में बट स्टिल ये फ्रेंडली रेस थी। सो अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं ऐसे ही कंटेंट अच्छा अच्छा लाता रहूँगा।